एक गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता मगर पगार कौड़ी भर भी ना देता। मजबूर किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में रामू नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीनें थीं। वे रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल प्राप्त कर लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलियान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर थे, इसलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। और रामू के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसे दिए तो वह यह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम करा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत कराऊंगा। उसने रामू से कहा, देख रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिए जाएंगे, पर मालिक दूसरे किसानों तो 2000 पाते हैं। रामू बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला, मजबूर रामू क्या करता, हामी भरकर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 ही महीने में कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, रामू यह ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। यह सुनकर रामू परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। रामू आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और अब उसे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर आया निकला तो रामू को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने रामू से पूछा, क्या हुआ रामू, क्यों आया। रामू जमींदार की पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी, उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया। रामू उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर से सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुला, बुरा भला कहा और कर भगा दिया। उससे अब से यही रोज क्रम चलने लगा। रामू रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को बुरा भला कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जा। मुझे घर पर ना देख कर रामू यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर पर रहने के बाद जब वो अपने घर लौटा तो मोहन को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चकित भी हुआ कि आखिर रामू के ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि रामू घायल है और वो अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ उसे। एक जमींदार ने कहा, मालिक जब आप दूसरे गांव चले गए थे तब रामू आपके घर के सामने बैठा रहता था। एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोरों ने चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे रामू की नज़र में आ गए। रामू अपने जान की परवाह ना
कर उससे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण रामू घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने रामू के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी रामू उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरी से उलझ गया और वह पछताने लगा। उसने रामू के घर जाने का फैसला किया। वह रामू के घर पहुंचा तो देखा कि रामू बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है, उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यह देखकर जमींदार का दिल भर आया। उसने रामू से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया। सीख: कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सदा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अपना कर्म ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, ऐसा है, आपको ये गरीब किसान की कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल पढ़ने के लिए अपने